आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव को लेकर सोमवार को दिन में 11 बजे अधिसूचना प्रशासन की तरफ से जारी की गई। इसके बाद नामांकन का कार्य शुरू हुआ। नामांकन को लेकर कलेक्ट्रेट क्षेत्र के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। सुरक्षा के चुस्त दुरुस्त इंतजाम किए गए थे। त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई थी। हर बैरिकेडिंग स्थल पर पुलिस फोर्स तैनात थी। कलेक्ट्रेट भवन के एक गेट पर नामांकन को जाने वाले प्रत्याशियों के लिए व्यवस्था की गई थी। यहां पर कड़ी चेकिंग के बाद ही लोगों को अंदर आने जाने दिया जा रहा था। हालांकि पहले दिन किसी भी प्रमुख प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया। वहीं नामांकन पत्रों की खरीदारी का काम पहले दिन से शुरू हो गया था। एडीएम प्रशासन अनिल मिश्र ने बताया कि 6 जून तक नामांकन का कार्य जारी रहेगा। इसके बाद 7 जून को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी होगी और 9 जून तक नाम वापसी हो सकेंगे। 23 जून को मतदान है। 26 जून को काउंटिंग होगी। काउंटिंग के लिए बेल ईसा स्थित FCI गोडाउन को सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने कहा कि EVM मशीनों को दुरुस्त करने का काम शुरू हो गया है। इसके लिए इंजीनियर आ गए हैं। सुनते हैं ADM प्रशासन ने क्या कहा। आजमगढ़ से रत्न प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। उनहत्तर लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ की अधिसूचना आज 11 बजे जारी की गई है और नामांकन की अंतिम तिथि 6 जून है। नामांकन पत्रों की जांच 7 जून को की जाएगी। नाम वापसी 9 जून को है। इसके बाद EVM की कमीशनिंग की जाएगी। EVM के इंजीनियर आ चुके हैं। EVM मशीनों की फिनिशिंग की जा रही है। हमारी तैयारियां पूर्ण हैं। तो सर किस तरह की बैरिकेडिंग की गई, सुरक्षा कैसे इंतजाम किए? देखिए, यहाँ पे त्रिस्तरीय बैरिकेडिंग की गई नामांकन स्थल के लिए। प्रथम GFMD लगा के कलेक्ट्रेट में कोई व्यक्ति आएगा, उसके बाहर सारे रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है और कोई भी व्यक्ति 200 मीटर पहले से अपने वाहन खड़ा करके पैदल आएगा। सर मतदान 23 तारीख को है और मतगणना कहाँ पर? मतदान 23 तारीख को है। मतगणना भारतीय खाद्य निगम बेलैसा के शेड में जो गोदाम है वहाँ पर होगा।